रतलाम जिले के बांगरौद में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने उन किसानों का साफा बांधकर सम्मान किया जिनका 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मैडा अपने उद्बोधन के दौरान किसान कर्ज माफी को लेकर कृषि मंत्री पर तंज कसा। प्यारे किसान भाइयों बहनों, जिले के पधारे सभी अधिकारीगण, बात बहुत बढ़िया है। आपकी सरकार आपके द्वार एक छत के नीचे सारे काम, वो कारण ये है आप किसी भी कोई दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या कोई भी विधवा भाई जिला लेवल पर नहीं जा सकते, उनके लिए ये कार्यक्रम है। आप कोई से भी अपना काम हो वो अवगत करा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। लेकिन मैं बहुत बढ़िया, वास्तव में मंत्री जी ने साफे बंधवाए किसानों के, लेकिन 1 लाख तक के बंधवाए, 2 लाख तक के और बंधवाना है। आदरणीय मंत्री जी, इस गांव के मुख्य मांग है, मैं कोई पार्टी लेवल से बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे एक मेन नाला है, आधा किलोमीटर पास में तालाब है खतरनाक। जो ये बारिश हो रही थी, बार बार फोन आ रहे थे सरपंच साहब के, सचिव के, कि गांव के पार फूटने वाली नाला छोटा है, गांव दो भाग में बंटा हुआ है, ये नाला हमको पूरे गांव को ले बैठेगा। तो मैं जिलाधीश महोदय से भी बार बार बात कर रहा था, बारिश आपको मालूम है इस वर्ष कैसे हुई, ये नाला आदरणीय मंत्री जी थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दे। यहाँ पे पहले DPR 1,62,00,000 की बनी हुई थी अनुमानित लागत, आज वो 2 करोड़ में बनेगा, ये गांव दो भाग में बंटा हुआ है। मंत्री जी आप भी इस गांव को वापस मिला सकते हो, लेकिन उम्मीद करते हैं गांव के किसान भाई और ये साधना बहन और ये आते हैं भावना कुंवर जी, अध्यक्ष जी इतना बड़ा ऑफिस, आपका इतनी बड़ी कुर्सी, हमारा नाला बनवा दो। मैं कहता हूँ बहन जी, मेरा शरीर बहुत बड़ा है पर निधि छोटी है, मेरी राशि 20 लाख की है, वो नाला 2 करोड़ में बनेगा आदरणीय। इसीलिए मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उस नाले को पहली पात्रता में लिखे, ये पूरे जिले के तमाम अधिकारी मेरे सभी वरिष्ठ आए, पहला आवेदन तो उस नाले का इस गांव के लिए, दो भाग में बन जाता है, कई बच्चे बहके चले गए, DP भाई जैसा का यूं करके नाले निकल जाता, मेरे जैसा नहीं निकल सकता है।